अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपके खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आम तौर पर आपने लेडीज़ के लिए ब्यूटी पार्लर्स का नाम सुना होगा और देखे भी होंगे। आज मैं आपको उन तमाम मर्दों के लिए खुशखबरी है, एक ऐसे ब्यूटी पार्लर पर लेकर आया हूँ जहाँ पर उनको ना सिर्फ तैयार किया जाता है, उनका हार श्रृंगार किया जाता है, इसके साथ साथ उनका मैनी पैडी और उनकी हेयर स्टाइलिंग की जाती है। आमतौर पर ईद के दिनों में हम जब भी बाल कटवाने के लिए किसी भी बार्बर के पास जाते हैं तो हमें 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है और आखिरी 3-4 दिन तो ऐसा होता है कि हमें टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन जिस सैलून पर मैं मौजूद हूं, ये ब्लेजोन सैलून है जिसमें आपको 19 प्लस चेयर्स मिलती हैं, जहां पर हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े सीजनड इनके वो तमाम के तमाम कारीगर हैं जो के बालों को काटते हैं। एक बड़ा वेटिंग एरिया है जिसमें आपको कॉफी सर्व की जाती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर LCDs लगी हैं जिस पर आप अपनी पसंद की मूवीज भी देख सकते हैं। इस रूम में आपका ग्रूम आता है जिसको दूल्हा कहा जाता है, वो सिर्फ अपने घर से अपने कपड़े या जो उसने जो चीजें वेयर करनी होती है वो लेकर यहाँ पर आता है। उसकी यहाँ पर मेकअप भी की जाती है, हेयर स्टाइलिंग भी की जाती है, उसको रेडी किया जाता है और उसके बाद वो पप्पू बच्चा बनकर जब यहाँ से निकलता है तो लड़कियां देखकर अश अश कर उठती हैं। नाज़रीन, आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसे लोगों की तरफ जो कि ईद की तैयारियों के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये भाई हैं जो कि अपने हाथों पर ये क्रीम लगवा रहे हैं और मेरा ख्याल है इसको क्या कहते हैं, स्क्रबिंग। और इसके अलावा क्या क्या करते हैं आप लोग? इसके अलावा मैडी पैडी होता है, स्क्रबिंग होती है, इसके साथ क्लिनजिंग वगैरह होती है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने पाँव पानी में डिप किए हुए हैं और उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त सा कलर ओरिएंटेड शैम्पू डाला गया है जो कि स्किन के लिए काफी सूदमंद साबित होता है, जिससे मैनी पैडी किए जाते हैं। और ये जो भाई हैं ये भी माशाल्लाह गोरे गोरे होने के लिए यहाँ पर आए हैं, माशाल्लाह वैसे ही गोरे हैं लेकिन और खूबसूरत होने के लिए आए हैं। तो ब्लेजोन जो है आपकी ग्रूमिंग को 4 चांद लगाता है। आपने ब्लेजोन का नाम पूरे लाहौर में सुना होगा और जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उन्होंने भी सुना होगा। इनकी स्टोरी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, जो इनके ओनर हैं हम उन्हीं की जुबानी इसकी स्टोरी आपको सुनाते हैं, आइए हमारे साथ। ब्लेजोन सैलून के ओनर राणा अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, मैंने ब्लेजोन का नाम बहुत ज़्यादा सुना था, ये इतने कम अरसे में आप छा कैसे गए हैं? अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, इस मुकाम तक पहुँचाया है और पेरेंट्स की थ्रू आउट बड़ी सपोर्ट रही है हमें। वालिद साहब का एक सैलून था, हमने वहाँ से स्टार्ट किया, वो एक छोटा सा सैलून था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने बड़ा कस्टमर का रश लगाया, बड़ा एंटरटेन किया कस्टमर को अपनी सर्विसेज के साथ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वालिद साहब ने किक स्टार्ट दिया, हमें एक सैलून बना के दिया, उसके बाद फिर मैंने उस सैलून से चेन्स बनाना शुरू कर दिया। पहला सैलून जो था वो किस सन में बनाया था आपने? जी मैंने 2016 में स्टार्ट किया था पहला सैलून, जो कि मेरी बाबरटाउन ब्रांच है। दूसरा जी मैंने उसी के एक साल बाद इस्लामाबाद में बनाया था F11 मरकज़ में। तीसरा जी ये जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, तीसरा ये है। मुझे तो लगता है अगले पूरे 5-7 सालों में पूरे शहर में ब्लेजोन ब्लेजोन हो जाएगा। जी प्लान तो है पाइपलाइन में इंशाल्लाह, अभी इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे 2 ब्रांचेस का प्लान है फर्दर इसी ईयर में। और उसके बाद गाड़ी भी चेंज करनी है मैंने, मेरी जो गाड़ी है उसके रिंग पिस्टन उड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो रिंग पिस्टन उड़ी हुई गाड़ी से मैं 4 रिंग्स वाली गाड़ी पे जाऊँ जैसे वो आपके पास है। ऑडी ऑडी ले लेंगे आप जिस तरीके से मेहनत करें। तो अब नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हैं आपके पास? हमने देखा है कि ईद के दिनों में जब भी लोग आते हैं सैलून्स पर तो उनको 3-3 दिन तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो जो बार्बर्स होते हैं उनके भी नखरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर उनको टाइम मिलता भी है तो उनको 8-8 घंटे यहाँ वेट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर 20+ चेयर्स हैं और 20+ ही आपके पास हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो ये तो मिनटों में काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और जो मेरे स्टाइलिस्ट हैं वो भी प्रोफेशनल हैं। दूसरा, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप अपॉइंटमेंट लेकर भी आ सकते हैं, ऑन कॉल आ सकते हैं, वॉक इन आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और वेट करेंगे भी तो उसमें वेटिंग में भी इंटरटेनमेंट होगी इंशाल्लाह आपके लिए। कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं?
जी जो सैलॉन सर्विसेज होती हैं लाइक उसमें हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर हेयरकट है, बियर्ड है, उसके अलावा फेशियल ट्रीटमेंट्स हैं, स्किन के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके अलावा मैनिक्योर पेडिक्योर है, ग्रूम सर्विसेज हैं हमारे पास। इस तरह की जो मेन सैलॉन्स के अंदर होती हैं सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने आमतौर पर देखा है जो दुल्हने हैं वो ब्यूटी पार्लर्स में तैयार होने के लिए जाती हैं, तो आपने मेंस के लिए भी एक ब्यूटी पार्लर बना दिया, ये आइडिया कहाँ से आया? अभी जो टाइम चल रहा है ना उसमें मेन क्या और फीमेल क्या, हर बंदे का दिल करता है जी मैं खूबसूरत लगूं, मैं अच्छा लगूं, मैं ग्रूम लगूं। उन लोगों के लिए हमारे ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना हाजिर है, वो आए सर्विसेज लें और इंशाल्लाह वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब अपनी ग्रूमिंग्स लेते हैं। इवेंट की जो इनकी ओपनिंग हुई है उसकी तमाम फुटेज भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन में जो इन्होंने मिरर्स लगाए हैं और जब आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपको एक उकताहट फील नहीं होती, आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, तो ये डिजाइन भी खुद ही किया? नहीं जी, इंटीरियर डिजाइनर से करवाया है। और दूसरा ये कि एम्बियंस क्रिएट करने का मकसद ये है कि ना कोई यहाँ पर आ रहा है अपने हेयर कट करवाने के लिए उसको एक अच्छा फील आए। जो हमारे देखने वाले हैं उनको लग रहा होगा कि शायद आपकी कटिंग 1 करोड़ रुपए की होती होगी, तो कोई पैसे बहुत ज़्यादा रखे हुए? नहीं नहीं, हम लोग बहुत इकोनॉमिकल हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट, हम लोग बहुत ही कम पैसों में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी अगर आप में से कोई भी शख्स इनको विजिट करना चाहता है तो एड्रेस और नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इस वक्त जो फिजिकली मैं मौजूद हूँ वो खोखर चौक जोहर टाउन का इलाका है, एम्पोरियम मॉल के करीब कॉर्नर पर ब्लेजोन सैलून है, जो कि आपको दूर से इसकी रोशनियां चमचमाती हुई अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आप यहां पर भी आ सकते हैं, वापडा टाउन में भी इनकी ब्रांच है और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर कोई जाना चाहता है तो वो F11 मरकज में भी जाकर एंटरटेन हो सकता है। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, इनकी मजीद डिटेल्स या मजीद क्या नई पैकेजेस ये मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।